फिर तो आपको परेशान किया है, मैंने इतनी देर बोला हूँ, वही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा काम है। अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का मतलब केवल व्यक्तियों को सम्मानित करना नहीं होता है, बल्कि जो वो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसका जो महत्व है वो उजागर होता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो नए बच्चियां और बच्चे हैं जो इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके लिए ये बड़ा भारी प्रेरणा का स्रोत बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये साफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ साहित्य कला या जितने भी ललित कलाएं, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इनका एक दिव्य रूप है, उसकी अभिव्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। सर, आपने एक अभी स्टेटमेंट अपना जो आप स्पीच दे रहे थे, बातें कह रहे थे, उसमें आपने एक साफ तौर पे कहा केरला में कोई तनाव नहीं है, लेकिन एक केरला के ही ऊपर बनी फिल्म केरला स्टोरी को लेकर नहीं 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 समय तनाव का जो है माहौल, दोनों को मत मिलाइए, वो रिसेंट घटना है। मैंने कहा कि जिस समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आया हो, इतना बड़ा परिवर्तन, उस परिवर्तन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं। आज तो आप ये टेररिज्म या इस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल करना, ये तो रिसेंट फिनोमेना, दोनों को मिलाइए, दोनों बिल्कुल अलग अलग। लेकिन सर फिल्म भी इसको लेकर जो मैंने देखी नहीं, मैंने देखी नहीं ये फिल्म, लेकिन ये अगर फिल्में ऐसी चीजें हैं तो निश्चित तौर से जो जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं शांति व्यवस्था बनाने के रखने के लिए, उन्हें उस पर ध्यान देना। सर, सीएम भी जो है कह चुके हैं कि जो लव जिहाद की घटनाएं हैं बहुत ज्यादा केरला में पड़ रही है, इसको रोक लगानी चाहिए। कौन सी आपके केरला के जो सीएम है, तो कौन रोक कौन लगाएगा, रोक कौन लगाएगा, सीएम ही तो लगाएंगे। 35,000 से ज्यादा सर गवर्नमेंट, वो जो भी है वो तो सीएम का ही होगा ना, कोई और डिमांड तो नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट डिमांड थोड़ी करेगी, गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी ना, तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सर कई जो है इस्लामिक जो थॉट्स रखने वाले लोग हैं या पार्टी के जो नेता हैं, वो इसे इस प्रोपेगेंडा बता रहे हैं पूरी फिल्म को, कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसे कोई चैप्टर ना। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ अगर प्रोपेगेंडा है तो उसके बारे में लिखें, उसके बारे में प्रेजेंटेशन करें, वो तो तथ्यों के आधार पर होगा ना, कोई भी चीज मेरे लिए वो नासिब नहीं है। फिर मैं इस फिल्म